तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो 30% सिलेबस है वह रिमूव हो चुका है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि हमारे सिलेबस से क्या रिमूव हुआ है। तो हमने क्या किया है कि एक अलग से PDF खुद के द्वारा क्रिएट की है, जिसमें आपको अच्छे से दर्शाया है कि आपके कौन से सिलेबस में कौन से चैप्टर इस बार रिमूव हुए हैं, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो इसलिए यह वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो क्या करना है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहां पर उसको ज्वाइन कर लेना है। और वहां पर आपको और भी यहां पर नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, तो जाके उसको तुरंत आपको ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही यहां पर इंपॉर्टेंट होता है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो लोग यहां पर इस बार क्लास 10th में यहां पर हैं। चलिए, अब यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, कुछ आपके लिए नोट है कि नीचे दिए गए पाठ सत्र 2020 और 21 के पाठ्यक्रम में नहीं है, अर्थात इनको आपको इस बार नहीं पढ़ना। मतलब कि ये आपको जो मैं चैप्टर बताऊंगा अभी, इनको आपको इस बार तैयार नहीं करना है। यदि आप अभी तैयार कर रहे हैं तो अभी उसको रोक दीजिए, यदि आपने तैयार नहीं किया तो अच्छी बात है। तो देखते हैं कौन से चैप्टर हैं यहाँ पर आपके क्लास 10th की अंग्रेजी में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर प्रोज आता है। प्रोज में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, पहले मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। चलिए, तो प्रोज में कौन कौन से चैप्टर हैं, पहला जो चैप्टर आता है वह है आपका टॉर्च बियरर। इसमें क्या है, किसके द्वारा लिखा गया, M.W. रिबन है, इनके द्वारा ये आपका लिखा गया है, जो यहाँ पर आपकी बुक में 5वां नंबर चैप्टर है। तो टॉर्च बियरर जो आपका चैप्टर है, इस बार आपको नहीं पढ़ना। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको नहीं पढ़ने, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो, तो इसको आप कट कर दीजिए अपनी बुक से अभी का अभी। चलिए, दूसरा चैप्टर कौन सा यहाँ पर रिमूव हुआ है प्रोस में, आपका आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, ये आपका आर श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया है। ये भी आपका इस बार जो आपके 2021 में बोर्ड एग्जाम होने हैं उसमें आपका ये सिलेबस में नहीं है। तो जिसने जिसने अभी पढ़ लिया है तो यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना था, जिसने नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, यहाँ पर आपको कम तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी का अभी इस चैप्टर को अपनी बुक से कट कर दीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका इस बार के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं आना। तो ये आपके प्रोज में दो चैप्टर, एक आपका 5वां नंबर चैप्टर, एक आपका 6वां नंबर चैप्टर, इस बार के आपके बोर्ड एग्जाम से यहां पर हटा दिए गए हैं, तो इनको आपको नहीं पढ़ना, याद रखना है आपको। चलिए, तो ये हो गए प्रोज। अब यहां पर पोएट्री की बात करते हैं, तो पोएट्री में यहां पर आपका जो 4था नंबर चैप्टर है द नेशन बिल्डर्स, जो यहां पर R.W. इमर्सन के द्वारा लिखा गया है, तो उसको भी आपको यहां पर नहीं पढ़ना, द नेशन बिल्डर्स। तो ये चैप्टर भी आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है। जिसने यहाँ पर पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा तो उसके लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर को अपने बुक से अभी का अभी कट कर दीजिए। चलिए, अब चलते हैं यहाँ पर सप्लीमेंट्री की ओर। तो सप्लीमेंट्री में भी आपका एक चैप्टर हटाया गया है, जो है यहाँ पर आपका 3rd नंबर चैप्टर माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, जो यहाँ पर जेसी ओवेंस के द्वारा लिखा गया है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना। तो अभी का अभी आप इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए अपने यहाँ पर बुक से। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर थे जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ज्वाइन होइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये जो आपके प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री में, प्रोज में आपके यहाँ पर दो चैप्टर, सप्लीमेंट्री और पोएट्री में एक, सप्लीमेंट्री में एक, तो टोटल आपके 4 चैप्टर इस बार के यहाँ पर बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं, तो इनको आपको नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि आपके कौन कौन से हटाए गए हैं। चलिए, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में चैप्टर रखे गए, अर्थात आपको पढ़ने कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रोज यहाँ पर आपके एग्जाम कितने नंबर का पूछा जाएगा, यहाँ पर प्रोज आपके एग्जाम में 16 नंबर का आएगा। 16 नंबर के जो यहाँ पर आपके प्रश्न होंगे वह आपके प्रोज से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो चैप्टर है वह आपको द इंचेंटेड पूल, वह आपको पढ़ना है, जो यहाँ पर श्री राज गोपालाचारी द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ पर दूसरा भी चैप्टर आपको पढ़ना है, अ लेटर टू गॉड, जो यहाँ पर आपका J.L. फ्रेंड्स के द्वारा लिखा गया है, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर आगे है द गंगा, ये आपका बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी आपको क्या है, इसको आपको तैयार करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके शॉर्ट लॉन्ग, सबको आपको तैयार करना है। फिर यहाँ पर द सुकरात जो चैप्टर है, इसको भी यहाँ
यहाँ पर आपको पढ़ना है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? रोधा पावर जो यहाँ पर है इनके द्वारा लिखा गया है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर ये जो चार चैप्टर हैं आपके प्रोस में जिन्होंने अभी तक तैयार नहीं किए हैं, तो अभी आप तैयार करना शुरू कर दीजिए, यही आपको पढ़ने हैं, यही आपका सिलेबस है। तो उम्मीद है ये चार चैप्टर आप जरूर अच्छे से तैयार करेंगे। अब आगे यहाँ पर पोएट्री में देखते हैं, पोएट्री में कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है द फाउंटेन, जो यहाँ पर जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। ये आपका पोएट्री जो पोर्शन होता है आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है, तो इसको आप जरूर अच्छे से तैयार करें। जो यहाँ पर जो द फाउंटेन चैप्टर है इसको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर आपका आता है द जाम ऑफ लाइफ, तो इसको भी आपको पढ़ना है, जो यहाँ पर H.W. लॉन्ग फेलो के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो ये दूसरा चैप्टर हो गया। फिर तीसरा चैप्टर आता है द विलेज सॉन्ग, जो यहाँ पर सरोजिनी नायडू के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपके पोएट्री में आपको सिर्फ अब 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं। पहले आपको यहाँ पर 4 पढ़ने होते थे, अब कितने पढ़ने हैं? 3 पढ़ने हैं। अब आगे यहाँ पर सप्लीमेंट्री का भी देख लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री रीडर में आपको यहाँ पर सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, पहले आपको 3 पढ़ने होते थे, अब आपको कितने पढ़ने हैं? 2 पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? पहला है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आप अच्छे से देख पाएंगे। और यहाँ पर आप समझिए, जो आपका यहाँ पर सप्लीमेंट्री होता है आपके एग्जाम में 12 नंबर का आता है, तो यहाँ पर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर दूसरा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, तो ये भी आपको पढ़ना है, जो यहाँ पर सिस्टर निवेदिता के द्वारा यहाँ पर एडॉप्ट किया गया है, तो ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये दोस्तों हो गए इंग्लिश फर्स्ट, मतलब कि यहाँ पर जो आपके इंग्लिश फर्स्ट है इसमें आपको ये चैप्टर सभी पढ़ने हैं। और जो मैंने आपको ऊपर बताए थे ये वाले चैप्टर, ये आपको जितने भी चैप्टर मैंने बताए इनको आपको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना। अब आगे यहाँ पर हम लोग ग्रामर का देख लेते हैं कि आपको ग्रामर पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर में जो पहले था वही आपका अभी भी है, जैसे कि यहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन कॉम्पोजिशन, तो यहाँ पर आपका जो ये वाला पोर्शन है 15 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। क्या क्या आता है देखिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस आ जाएगा, फिर यहाँ पर द सेंटेंस टाइप आ जाएगा, मतलब कि आपको दे दिया जाएगा सेंटेंस और उसमें आपसे बोला जाएगा इसको निगेटिव में चेंज करिए, यहाँ पर इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, फिर यहाँ पर द वर्ब, फिर यहाँ पर प्राइमरी ऑक्जिलरीज, बी हैव डू वो आपके फिलिंग ब्लैंक्स में आ जाता है, मॉडल ऑक्जिलरीज, निगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर यहाँ पर टेंस, उनके फॉर्म और यहाँ पर यूजेस होते हैं टेंस के, या जब आप स्टोरी बनाएंगे तब वहाँ पर यूज होगा। आगे यहाँ पर पैसिव वाइस आपको पढ़ लेना है, आपके एग्जाम में 2 नंबर का जरूर आता है, यहाँ पर 100% सेव होता है। पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पर प्रेपोजिशन आपको जरूर पढ़ के रखना है, प्रेपोजिशन आपके एग्जाम में 2 पूछे जाते हैं कम से कम, तो 2 नंबर यहाँ से भी आपके 2 से 4 नंबर बन जाते हैं और ये आपका फिक्स नंबर होता है। फिर यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी आपका 2 नंबर का आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन, ये भी आपका 2 नंबर का आपके एग्जाम में आता ही आता है। फिर यहाँ पर आता है पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता ही आता है। मतलब कि दोस्तों जो यहाँ पर मैंने इतने आपको बताए यहाँ से आपके, ये आपके प्रत्येक आपके 2 नंबर के आते हैं और ये आपके नंबर फिक्स होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। चलिए तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपकी स्टोरी आती है वह आपके 4 नंबर की आती है, लिखा हुआ है हिंदी टू इंग्लिश, तो आपकी हिंदी में आती है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, वही आपकी ट्रांसलेशन हो गया जो आपकी स्टोरी की बात मैं कर रहा था। फिर यहाँ पर थर्ड ए जो यहाँ पर आपका 6 नंबर का आता है, वहाँ पर क्या लिखना होता है? लॉन्ग कॉम्पोजिशन या फिर कंट्रोल्ड कॉम्पोजिशन लिखना होता है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर बी नंबर पे क्या आता है? ये आपका 4 नंबर में आता ही आता है, आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आपका 4 नंबर में आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, आपको करना ही होता है, तो ये लेटर राइटिंग हो गया। फिर यहाँ पर आता है आपका यहाँ पर कंप्रेशन, आपका अनसीन पैसेज आता है जो आपका 6 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, ये आपके 6 नंबर का फिक्स होता है, आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में फिक्स होते हैं, यदि आप इनको कर लेते हैं तो 6 नंबर आपको मिलते ही मिलते हैं। आगे यहाँ पर कुछ यहाँ पर और दिया गया, जैसे कि वर्ड ऑप्टेंट कन्फ्यूज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल और ग्लॉजरी, तो ये आपके एग्जाम में देखिए आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके सामने मार्क्स लिखे नहीं है, तो ये आपके एग्जाम में यहाँ पर उतना नहीं पूछा जाता, कभी कभी आपका 1 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये थे जो मैंने आपको बता दिए ओवरऑल कहाँ से कितना पूछा जाता है, इससे आपका 15 नंबर, इससे आपका 4 नंबर, इससे 6 नंबर, इससे आपका 4 और 6 नंबर, आगे मैंने आपको बताया इससे आपका 16 नंबर का, इससे 7 नंबर का, इससे 12 नंबर का, तो इस टोटल
मिला के आपका 70 नंबर का पूरा एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह दोस्तों आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं सिर्फ आपको इन्हीं को पढ़ना है, ऊपर जो 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 चीज़ें मैंने कट कराई हैं इनको आपको नहीं पढ़ना। यदि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो अच्छी बात है, पढ़ लिया है तो आपने यहाँ पर सिलेबस को देखा तो है नहीं, तो अब यहाँ पर इसको देख लीजिए। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपके टेस्ट PDF नोट्स सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा, तो जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। आपको क्या करना है, मैंने अपना पूरा काम कर दिया है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।